उसमें टाइम लगेगा। या मैं आपको एक और कहानी कहना चाहता हूँ, एक और कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको, ये कहानी नहीं इनफैक्ट एक फैक्ट है, ये फैक्ट है। आपने चाइनीज बेम्बू का नाम सुना होगा, बांस का। चाइनीज बेम्बू एक टाइप का बम्बू का जो है टाइप है। तो चाइनीज बम्बू की खासियत क्या है? खासियत ये है कि आपने आज उसको बोया, आज आपने आप लगाया उसको, क्या लगता है आपको कितने दिन में वो बड़ा हो जाना चाहिए? कितने दिन में? एक महीने, दो महीने, दस दिन, पंद्रह दिन, बीस दिन, कितने दिन में हो जाना चाहिए? लगभग लगभग कितना आना एवरेज कितना हो जाना चाहिए बताओ, आप मैं बताओ कोई, लगभग कितना टाइम हो जाना चाहिए? कोई भी पेड़ लगभग कितना टाइम हो जाता है? पौधा हमने लगाया मान लो, कितने टाइम में वो बाहर आ जाएगा? वैसे हम बोले फूटने लग जाएगा, कितने टाइम में? तीन चार महीने ज़्यादा है ना। चाइनीज बम्बू चार साल तक बाहर दिखता भी नहीं है वो, मतलब शुरुआत ही नहीं होती उसकी बाहर, तो आपको बाहर नजर नहीं आएगा वो। लेकिन चार साल बाद वो दो महीने में ही दो महीने में लगभग 90 फीट 90 फीट बड़ा हो जाता है। यानी कि एक दिन में उसका देखा जाए तो एक दिन में कुछ वो मीटर बढ़ जाता है लगभग, पर आर वो जो है आप उसको देख सकते हैं कि हाँ ये बड़ा हो रहा है, पर आर लगभग वो जो है 4 इंच बड़ा हो जाता है चार साल के बाद। चार साल तक तो ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है इसमें, चार साल तक तो वो आप मतलब वो आपने लगा दिया, पानी भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर कुछ नजर नहीं आता है। वो चार साल तक क्या कर रहा है? अपनी जड़ें नीचे फैला रहा है, मजबूत कर रहा है। फिर एक समय के बाद वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। किसी भी पेड़ से सबसे ज़्यादा स्पीड उसकी है ग्रो होने की, पर लेकिन एक बात ये भी कि सबसे ज़्यादा समय भी वही लेता है। तो हम मैंने बोला कि जो है हम रीडिंग स्टार्ट करें, हमारे अर्निंग में आएगी। आपने आज ही पढ़ना स्टार्ट किया और कल सोचा कहाँ है अर्निंग, तो ऐसा तो नहीं होगा। आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया, दो महीने, चार महीने, छः महीने, आप सोच रहे छः महीने बस अब तो फ़ायदा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा है ना। आपको भी चाइनीज बेम्बू से सीखना पड़ेगा, आपको हमें सभी को सीखने की ज़रूरत है कि चाइनीज बम्बू की तरह हमें सोचना पड़ेगा कि टाइम लगेगा इस चीज़ में। तो हर चीज़ टाइम लेती है। आप यदि लर्निंग अपनी लर्निंग को बढ़ाए जा रहे हैं, वो अर्निंग में ज़रूर तब्दील होगी, ये बात तय है। अब वो अर्निंग डिपेंड करेगा कि आपका मोटिव क्या है। किसी का मोटिव ही नहीं है पैसे कमाना, उसका मोटिव यही है कि मुझे ज्ञान ही ज्ञान कमाना है, तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, तो वो व्यक्ति वो भी कमाता है। खैर, लेकिन आपको वो अर्निंग में तब्दील ज़रूर होगा।